केंद्र की मोदी और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा जीएसटी में किए बदलाव को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। गुरुवार को संस्कारधानी जबलपुर में भी 12% जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों में आक्रोश देखा गया है। इस दौरान कपड़ा व्यापारियों ने आधे दिन दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। जबलपुर थोक कपड़ा व्यापारी संघ के आह्वान पर कपड़ा दुकानें बंद, कपड़े में 12% जीएसटी दर लागू करने के विरोध में, केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन, 12% जीएसटी वापस लिए जाने की मांग करते हुए कपड़ा व्यापारियों ने बड़ा फुलहारा क्षेत्र की सभी कपड़े की दुकानों को आधे दिन बंद रखते हुए केंद्र सरकार के प्रति पत्र लिखकर भेजा गया है, जिसमें मांग की है कि पहले कपड़े में किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था, लेकिन 2014 में 5% टैक्स लगाया जाने लगा, तब व्यापारी शांत रहे, लेकिन अब सरकार 12% जीएसटी लगाकर कपड़ा व्यापारियों के साथ विश्वासघात कर रही है। वही आमजनों से भी कपड़े दूर हो जाएंगे, कपड़ा महंगा होगा जिससे व्यापार में असर पड़ेगा, इसलिए सरकार से मांग की गई है कि जीएसटी को कपड़े से खत्म करे। केंद्र सरकार की विसंगति और नकारापन के कारण केंद्र में बैठी भाजपा की मोदी सरकार ने व्यापारियों के पेट में कुटारा घात किया है। जीएसटी दर उन्हें 12% कर दी है, जिससे कपड़ा और अन्य सामग्री बहुत महंगी हो जाएगी, जिससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इसके विरोध में जबलपुर व पूरे मध्य प्रदेश में और सारे देश में जीएसटी के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इसी तरह में जबलपुर थोक व्यापारी संघ के तत्वाधान जीएसटी के विरोध में आज आधे दिन का बंद रखा गया है, जिसका सभी व्यापारी लोग समर्थन दे रहे हैं। ये आम जनता के हकों की लड़ाई है जो व्यापारी लड़ रहा है, और जब तक जीएसटी दर 12% वापस नहीं ली जाती, व्यापारी आंदोलन करते रहेंगे। शरद समैया, ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर।